अगर हम बात करें एस्कल हेलमिंथस की, तो जो राउंड वॉर्म्स भी कहलाते हैं इसके मेंबर्स, एग्जांपल ले सकते हैं हम एस्केरिस का, उनके अंदर क्या है आपके पास इंटरसेल्युलर कैनाल एंड कैनलिकुलाई सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह काम करेगा और जो ओपन होगा एक्सक्रीटरी पोर पे। ये जो सिस्टम है आपके पास वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वाटर रेगुलेशन के अंदर एज कम्पेयर टू एक्सक्रीशन, मतलब यहाँ वाटर का सेव करने वाला मैकेनिज्म ज़्यादा काम करता है। द नाइट्रोजिनस वेस्ट जो अमोनिया है इज मेनली लॉस्ट बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी वॉल, वो डिफ्यूजन के थ्रू क्या है बॉडी वॉल से रिमूव कर दिया जाता है, और ये कैनाल एंड कैनलिकुलाई काम आता है किसके लिए, वाटर रेगुलेशन के लिए। ये टाइप से सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये ट्रांसवर्स नेटवर्क है कैनलिकुलाई का, ये इनके टिप पार्ट पे एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होते हैं, ये लेफ्ट एक्सटीरियर कैनाल, ये राइट एक्सटीरियर कैनाल, ये इस टाइप से सिस्टम प्रेजेंट होता है। इट इज जस्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। देन एनिलिडा का अगर हम एग्जांपल लें, जैसे अर्थवॉर्म, ठीक है, उनके अंदर मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन मैंने कल भी बताया था, वाटर प्लस मिनरल आयंस का बैलेंस बना के रखता है। और जो एक नेफ्रीडियम है वो आपके पास सीलिएटेड नेफ्रीडियल कैनाल से मिलके बना है, जो ओपन होगा सिलोम ऑफ नेफ्रोस्टॉम के अंदर, सिलोम मतलब कैविटी, नेफ्रोस्टॉम की कैविटी के अंदर, एंड टू द एक्सटीरियर और इन टू द गट बाय द नेफ्रीडियोपोर, और नेफ्रीडियोपोर के थ्रू गट पार्ट के अंदर। नेफ्रीडिया जो है आपके पास उनमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है एंड एक्सट्रैक्ट द सॉल्यूट, वहाँ से सॉल्यूट पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वाटर फ्रॉम द ब्लड बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वाटर को मतलब ब्लड में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू गेन किया जा रहा है, एंड डिस्चार्ज इनटू द डिस्चार्ज द फिल्ट्रेट इनटू द नेफ्रीडियल कैनाल सिस्टम, और जो फिल्ट्रेट है उसे फाइनली नेफ्रीडियल कैनाल के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ से यूजफुल मटेरियल वहाँ रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और वेस्ट सब्सटेंस को सिक्रेट कर दिया जाएगा बाहर। जो फाइनल यूरिन बनेगा वो गट या फिर एक्सटीरियर डायरेक्टली बाहर भेजा जाएगा नेफ्रीडियो पोर्स के थ्रू, और जो फ्लूइड एक्सपेल एट द बॉडी सरफेस कंप्राइजेज ऑफ, एक्सपेल किया जाता है बॉडी सरफेस पे, उसमें वाटर होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, अमोनिया होता है एक्वेटिक फॉर्म में और यूरिया होता है टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, और कुछ सॉल्ट कंसेंट्रेशन होती है। दिस इज द डायग्राम फॉर द मेटानेफ्रीडिया, नेफ्रोसोम प्रेजेंट है, ये टर्मिनल डक्ट हो गई, ये ट्विस्टेड लूप प्रेजेंट होता है एपिकल पार्ट, जो टिप वाला पार्ट है। देन है आर्थ्रोपोडा, एक्सक्रीशन जो है वो अकर थ्रू द माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होगा, जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट हैं वो एक्सक्रीट करेंगे यूरिक एसिड, एंड एक्वेटिक एनिमल वो अमोनिया रिलीज करेंगे। जो क्रस्टेशियन है, जैसे प्रॉन एग्जाम्पल लें हम, वहाँ पर आपके पास एक पेयर एंटीनरी या ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और एक मीडियन पार्ट में रीनल सैक प्रेजेंट होता है, रीनल वर्ड रिलेट्स विद द किडनी, सैक मतलब खाली जगह, एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स के अंदर माल्फीजियन ट्यूबल्स होती हैं, इन्हें कॉक्सल ग्लैंड भी नाम देते हैं, मतलब कॉक्सल ग्लैंड भी प्रेजेंट है, और दोनों भी ये सिस्टम प्रेजेंट हो सकते हैं। देन मोलस्का क्या है आपके पास, इनके अंदर किडनी प्रेजेंट होती हैं एक्सक्रीशन के लिए, जो किडनी है वो ओपन होंगी पेरिकार्डियम, ठीक है, सिलोम वाले पार्ट में, एक एंड पॉइंट पे रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर नेफ्रोस्टॉम यहाँ प्रेजेंट होता है, और मेंटल कैविटी इनटू द मेंटल कैविटी एट द अदर एंड बाय द नेफ्रीडियो पोर, दूसरे पार्ट में मेंटल कैविटी में ओपन होती है नेफ्रीडियो पोर के थ्रू। द ऑरिकुलर वॉल जो है वो फॉर्म पेरिकार्डियल, ऑरिकुलर वॉल से पेरिकार्डियल फ्लूइड बन रहा है जो प्राइमरी यूरिन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू, मतलब सिंपली फिल्टर आउट करके, और किडनी प्राइमरी यूरिन इज मॉडिफाइड, किडनी जो है वो प्राइमरी यूरिन को मॉडिफाइड करेंगी फाइनल यूरिन के अंदर, जिसके कारण रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होगा। फाइनल यूरिन पासेस इनटू द मेंटल कैविटी, वो मेंटल कैविटी में पास होगा नेफ्रीडियो पोर के थ्रू, वेस्ट मटीरियल यहाँ पे अमोनिया हो गया एक्वेटिक फॉर्म में, यूरिक एसिड हो गया टेरेस्ट्रियल फॉर्म के अंदर। दिस इज द डायग्राम, इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ देन यू कैन, और इफ यू वॉन्ट टू स्किप इट्स योर चॉइस, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट में आपका कवर हो चुका है। इकाइनोडर्म्स जैसे स्टारफिश हैं, उनके अंदर कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, अमोनिया है वेस्ट प्रोडक्ट, जो डिफ्यूजन के थ्रू क्या है गिल्स और ट्यूबफिट पार्ट से रिमूव कर दिया जाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहाँ पे जो किडनी है वो मेन एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करेंगे वर्टिब्रेट्स में। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जो है वो अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट है किडनी। अगर हम अपीयरेंस और पोजीशन की बात करें तो किडनी डार्क रेड कलर में है, बीन शेप्ड की स्ट्रक्चर है, 11 सेंटीमीटर लगभग लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर वाइड और 3 सेंटीमीटर थिकनेस आप कंसीडर कर सकते हो। लगभग इनका वेट रहेगा मेल के अंदर 150 ग्राम और फीमेल के अंदर, अडल्ट फीमेल में 135 ग्राम। ये फैक्ट्स हैं जो आपको एज सच याद करने हैं। और दे आर प्लेस अगेंस्ट द, मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी है बैक वॉल में वो सिचुएटेड है डायफ्राम के नीचे, अपोजिट द लास्ट थोरेसिक एंड फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे। ये लोकोमोशन वाले चैप्टर के बाद आपके वर्टिब्रे क्लियर होंगे, कल स्केलेटल सिस्टम में आपको लाइव क्लास में बता दिया जाएगा। दे आर कवर्ड बाय पेरिटोनियम ऑन द वेंट्रल साइड ओनली, इस सिर्फ और सिर्फ वेंट्रल साइड जो है वो पेरिटोनियम टिश्यू लेयर से कवर होती है, जो इसे अटैच करके रखती है गट के साथ। और रेट्रो पेरिटोनियल मतलब क्या है, आपके पास पेरिटोनियम के जस्ट पीछे की साइड प्रेजेंट होती है। और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू राइट किडनी। और मीडियल साइड पे अगर हम बात करें तो ईच किडनी हैज़ ए कनकेविटी, उनके थोड़ा सा कनकेव स्ट्रक्चर होता है जिसे हीलम नाम दिया जाता है। ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, नर्व्स और यूरेटर इसी पार्ट से क्या है एंटर और एग्जिट कर रहे हैं। दिस इज द डायग्राम फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है जी। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये रीनल पिरामिड्स कहलाते हैं जो ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर हैं, जो बीच का स्पेस है इट इज़ नॉन एज कॉलम ऑफ बार्टिनी। देन रीनल कॉर्टेक्स वाला रीजन, यहाँ पे ये जो ट्रेंगुलर पार्ट मर्ज होता है माइनर कैलेक्स, बाहर फाइब्रस कैप्सूल की कोटिंग होती है। देन रीनल मेडुला पार्ट, ये मेडुलरी रीजन, ये कॉर्टिक्स वाला रीजन। देन रीनल पैपलरी पार्ट, ये जो मीडियन कैविटी की हमने बात की थी हीलम वाला पार्ट। जो माइनर कैलेक्स हैं वो ओपन आउट होते हैं मेजर कैलेक्स के अंदर, ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन और ये रीनल पेल्विस रीजन, ठीक है। यहाँ से यूरेटर अराइज होते हैं।